अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ चुक्का गोश्त। चुक्के की भाजी ली, चार पांच कट्टे थे ये और मीडियम साइज़ के। इसके जड़ों को कट कर ली और इसको हाथ से तोड़ ली और इसको दो तीन पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब इसके लिए मैं मटन ली विथ बोन्स के साथ, और ये 300 ग्राम से बढ़ के थोड़ा आपके हिसाब से ले सकते हैं। उसको अच्छे बड़े बड़े पीसेस है, थोड़ा सा बोन्स है, और एक बड़ी प्याज की डली है। एक बड़ी प्याज की डली डाली। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिर्ची है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है। अब इसको क्या करेंगे, हाथ से अच्छा मिला लेंगे। इसको मैं हाथ से अच्छा मिला लें। अगर टाइम है तो 10-15 मिनट आप इसको छोड़ देना। अगर टाइम है तो, अगर जल्दी में है तो डायरेक्ट बना सकते। अब इसमें ऑयल डालेंगे ऑयल आप अपने हिसाब से डालना, थोड़ा सा भाजियों में बढ़ के रहना तेल। अब इसको तेज फ्लेम पे 10 मिनट कवर करके छोड़ देना, 5 से 10 मिनट में इसको तेज फ्लेम में पका ली। और इसका जो मसाला था, नमक मिर्च अदरक लहसुन है, उसको अच्छे से भून ली। एक अच्छा पनिया था और अच्छा इसको भून ली। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डाल के इसको कवर करके 10 मिनट तेज पे और 15 मिनट धीमे पकाना। अब ये गोश्त मटन का है और कौला है, आसानी से गल जाता। अगर घट है तो आप कुकर में सेम तरीके से आप कुकर में बना सकते हैं। भाजी को मैं 3-4 पानी से अच्छे से धो ली। अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 4-5 हरी मिर्चों को तोड़ के डालेंगे और 3 बड़े साइज के टमाटर। अब चाहे तो आप इसको भगोने को सेम तरीके से चूल्हे पे रख सकते हैं। और मैं इसको हंडी में पका रही हूँ भाजी को। अगर हंडी नहीं है, आप ये नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो सेम तरीके से इसको कोई भी बर्तन में गला सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको तेज फ्लेम पे 5 मिनट कवर करके छोड़ देंगे। 5-7 मिनट में इसको तेज पर रखिए, अच्छे से उबाल आ गया। अब धीमे पे इसको कवर करके छोड़ देंगे तो ये भाजी अच्छे से गल जाती है। टमाटे भाजी अच्छा गलना, और इसमें पानी तो भाजी टमाटर का छोटा मैं डाली नहीं। अब इसको थोड़ा कवर करते हुए थोड़ी सांद इसमें गैप रखना, नहीं तो इसका पानी बाज़त उबल भी सकता। मिनट इसको धीमे पे भी पका ली मैं। भाजी हमारी अच्छे से गल गई। अब इसको चूल्हा बंद करके नीचे रख दिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे भाजी के हिसाब से। गोश्त में तो अच्छा नमक डालें तो उस हिसाब से डालना, और इसको दाल घेटने की मदद से इसको अच्छे से घेट लेंगे। भाजी को मैं अच्छे से घेर लिया। अब इसको साइड में रख देंगे। अब इसको मैं कोई भी बर्तन में आप गला सकते हैं। अब गोश्त को मैं 15 मिनट धीमे पर रखी थी, अच्छे से गल गया। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, 5-10 मिनट इसको छोड़ दूंगी धीमे पे। सेम तरीके से आप कुकर में बना सकते हैं। 15 मिनट में इसको धीमे पर रखिए, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया, इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी सूख गया और सरफेस पे अच्छे से ऑयल आ गया। तो जो प्याज डाले थे वो भी गल गए, अच्छे से भून लिए। अब क्या करेंगे, जो भाजी घेट के रखे थे वो डाल देंगे। अब इसको भाजी डालने के बाद एक बार हल्के से इसको मिला लेंगे। जो हंडी का जो मसाला था और भाजी, दोनों अच्छा सा मिक्स हो जाना। धीमे पे रखे में अब थोड़ी सी इसमें डालेंगे बारीक काट के कोथमीर। चाहे तो आप इसमें सोया की भाजी भी डाल सकते, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता। मेरे पास तो था सोया, लेकिन पहले डालना पड़ता जब गोश्त की हंडी गलती रहती, जब डालना तो गलने को टाइम लगता वो भाजी सोए की, तो मैं डालना नहीं भूल गई थी, तो मैं कोथमीर डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा पहले डालना पड़ता वो भाजी। धीमे पे 3-4 मिनट इसको छोड़ देंगे। चलिए, चुका हमारा तैयार है, फिल्म को बंद कर देंगे। अब इसको निकालेंगे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनने वाले भाजी है ये, मटन के साथ। और चाहे तो चने के दाल डाल के बघारी भी बना सकते, वो भी मज़े की होती। और इसको गरम गरम राइस के साथ और घी के साथ आप सर्व कर सकते। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।